बताया था कि हमारे फसल को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो हमारे फसल को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले सबसे बड़ी समस्या सभी फसल के ऊपर देखने को मिलती है, सकिंग पेस्ट, मतलब रस चूसक कीटक। यानी कि ये क्या करते पता है क्या? ये रस चूसक कीटक, ये आपके आपको इनके आप अगर खेत में अगर जाते होंगे तो आपको पता होगा ये रस चूसक कीटक होते हैं। एफिड, थ्रिप्स, माइट्स, यानी कि हम जिसे हरे मच्छर कहते हैं, सफेद मच्छर कहते हैं, सफेद मक्खी कहते हैं, बीटल्स कहते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं पता है? जो पत्ता होता है उसकी जो वेंस होती है, जिसे हम नसें कहते हैं, हमारे जैसे वेंस होती है, इनमें जैसे हमारा खून होता है वैसे भी जो फसल होती है उसके अंदर उसके सैप रहता है, उस सैप को ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उसको चूस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, पत्ते जो होते हैं सिकुड़ने लगते हैं, पत्ते खराब होने लगते हैं, पत्ते सूखने लगते हैं। किसकी वजह से? ये सकिंग पेस्ट की वजह से। तो अभी इनसे राहत पाने के लिए क्या हो सकता है? हम मार्केट के बहुत सारे केमिकल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बार 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 ये आ ही जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए यूनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको खत्म कैसे किया जा सकता है, या फिर इनको रोका कैसे जा सकता है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने नेट सब नीम बेस, कैस्टर ऑयल बेस, नीम बेस एक जो है इसके अंदर हमने अलग अलग इसेंशियल ऑयल्स डाले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसको कैसे कंट्रोल हो गए ये सारे जो भी सकिंग पेस्ट है, उसके लिए हमने क्या किया है कि हम इसको बोलते हैं कि आप इसको प्रिवेंटिव के तौर पे इस्तेमाल करो। कब? कि जब अंडे उस फसल के अंदर होते हैं, यानी कि जब क्या होता है कि कोई भी नया फसल जब आता है तो उस वक्त उस फसल के पहले सीजन के कुछ कीटकों के अंडे होते हैं। तो जैसे ही आपकी फसल ये 20 से 25 दिन की हो गई, तब आप बायो 99 के साथ आप इंटैक्ट का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर अंडे नष्ट हो जाएंगे, यानी कि अंडों में से कीटक बाहर आएगा ही। उसी के साथ अगर आ भी गया है तो उस वक्त क्या कर सकते हो, एंटीफिडन इसका स्प्रे होगा। तो ये नीम बेस होने की वजह से इसके अंदर एलेडाइड, कीटोनेस और टेरापेंस और अलोकाइड्स, जिसे हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे ये सारे चीजें अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब आयुर्वेदिक चीजें, यानी कि हमारे इसके टेक्निकल नाम है, लेकिन ये सभी चीजें नेचुरल तरीके से है। इसके अंदर कंटेंट डाले वो क्या करते हैं, एंटीफिडेंट, यानी कि वो जो उसके अंदर जो उसका डंक मारता है, जैसे मच्छर हमारे बॉडी के ऊपर डंक मारता है, तो वो उसके डंक मारने की जो क्षमता है उसी को खत्म कर देता है। यानी कि पहले क्या करेगा, अंडे नष्ट करेगा, डंक मारने की क्षमता को खत्म करेगा, रिपेलेंट का काम करेगा। यानी कि जैसे हम अगर बायो 99 के साथ इंटैक का इस्तेमाल करेंगे तो उस फसल के ऊपर वो जो कीटक है उसको वहां पर आने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना स्मेल आएगा कि नहीं यार मुझे वहां पे नहीं जाना है, इस फसल के ऊपर अटैक ही नहीं हो पाएगा। ऐसे यूनिक टेक्निक्स का हमने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि उस फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं यहाँ पर इंटैक के माध्यम से। इंटैक का इस्तेमाल आपको बायो 99 के साथ ही करना है, यानी कि बायो 99 प्रोडक्ट और इंटैक को मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। आप कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इसको अंदर स्टिमरीज भी डाल देते हैं, तो इसको अगर आपको लग रहा है आप प्रिवेंटिव तौर पर जब इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपके फसल के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है, तो आप उसके अंदर स्टिमरीज, बायो 99 और इंटैक इस्तेमाल कर सकते, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको लग रहा है कि यार अटैक ज्यादा हो गया है, ज्यादा मात्रा में सफेद मच्छर, हरे मच्छर दिख रहे हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बायो 99 और इंटैक का स्प्रे आप कर सकते हो 30 लीटर पानी में। इसको हमें लगभग 60 ml इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में लगभग 2 ml इसको हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से 15 लीटर की टंकी में इसको 30 ml इस्तेमाल करना है, 15 लीटर की टंकी में हम इसको 30 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml इसको छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से